तो येतच नाही आम्ही नाही जातो तुम्ही आल्यावरती म्हणता अमित हेलो हेलो हाय कुलिन. हाय विवेक, कैन यू हियर मी? यस आई कैन. ओके ग्रेट, इट्स लाउड एंड क्लियर. आई एम फाइन, आई एम फाइन. हाय हाय विवेक. हाँ, वेर आर अदर जेंटलमैन? करतील रे, जॉइन करणार, डोंट वरी. यार मी जल्दी चालू किया है, ताकि ये सब इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ भी करना है टॉपिक सर. हाँ, अरे कुलिन बेसिक लेवल से जाना, एकदम बेसिक से जाए. एकदम बेसिक पे जाएगा, क्योंकि मुझे पता नहीं किसको कितना पता है, तो उस हिसाब से अपने को बेसिक ही करना पड़ेगा. राजेश भी ज्वाइन हो गया. ओके, नाउ आई एम ट्राइंग टू शेयर माय स्क्रीन, अगर दिखता है तो मुझे बता. ओके राजेश कौन हो गया जो माल पे करके अपना. हेलो, ओके, कैन यू सी द स्क्रीन नाउ? हेलो, तुम्हाला स्क्रीन दिसते का? यस यस कुलिन. ओके ओके, वन दिसते दिसते. दोन मिनिटात आपण सुरू करू का? आणखी आणखी आपण वाट पाहू कोण. आय थिंक लेट्स वेट फॉर 2-3 मिनिट्स. मीनवाइल आई जस्ट टेक सम मोर सेटिंग, क्योंकि ये अगर रिकॉर्डिंग भी हो जाता है ना, तो बाद में पब्लिक को बाद में भेज सकते रिकॉर्डिंग जो ज्वाइन नहीं करता. अमित, तू शिवाजी पार्क का कुछ एसोसिएशन में मेंबर है क्या? अरे अरे, लाइफ मेंबर है हम लोग. अच्छा, शिवाजी तो गार्डन गार्डन वार्डन बना सकता है. हाँ, जिमखाना जिमखाना का लाइफ मेंबर है. अच्छा, एक बार सब लोग मिल लेंगे. अभी अपना इन्वेस्टमेंट ग्रुप है, वो मिल लेंगे, प्लान बनाएंगे. चलेगा चलेगा. आज आज आपका मत्करी मिल रहा है. अच्छा, सब दिन आ रहा है. अरे मेरे को चलते रहता है, फुल टाइम पास रहता है. मेरे को है ना 99% लोगों के चेहरे याद नहीं कॉलेज में, क्योंकि एक तो मैं आप लोग को मालूम है बहुत आया था, बाद में गायब भी हो गया था. हाँ जी, हाय कुलिन, हाय विकास, अमित. यस यस विंटर, हाउ आर यू? फाइन फाइन, कैसे आहे सगळे? बस बस बस, नाइस टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम. हे कुलिन, थैंक यू यार, अप्रिशिएट. अरे मोस्ट वेलकम यार, अपने फ्रेंड के लिए कुछ भी. अच्छा होगा. नहीं, क्या है कि जो ग्रुप बनाया मैंने, तो उसमें मैंने देखा कि पीपल आर वेरी एक्साइटेड टू इन्वेस्ट एंड बट दे आर वेरी रैंडमली इन्वेस्टिंग, ट्राइंग टू इन्वेस्ट कोई टिप्स के बेसिस पे, कुछ भी बेसिस.
is not good, I think. Because people should be aware, आज हम भाजी भी खरीदते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम जाके देखते हैं कि भिंडी क्या भाव है, ये भाव है, हम शेयर फिर भी हजारों लाखों रुपए में खरीद लेते हैं, तो मुझे थोड़ा ये फील हुआ कि वी शुड नॉट यू नो अननेसेसरीली इन्वेस्ट. ऑफकोर्स जिसके पास जितना पैसा है जो अपने हिसाब से कर सकते हैं, बट एजुकेट होके हम करें ये तो हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चों के लिए अच्छा है. मेरा भी 2-3 साल से लर्निंग ही चालू, मैं अभी भी लर्निंग कर रहा हूँ. तो मैंने जो मेरा इंडिपेंडेंट काम है, मेरा बुक पब्लिशिंग का काम है, प्लस दूसरा मैं थोड़ा फ्रीलांसिंग करता हूँ यूएस की कोई एजेंसी है जिसके लिए, तो थोड़ा बहुत रिसर्च वगैरह चालू रहता है. प्लस अभी लॉकडाउन में कम्प्लीटली घर पे थे तो इसके ऊपर ज्यादा जोर दे के, सीखने पे ज्यादा जोर दिया, इन्वेस्टिंग नहीं किया जाना. तो शुड वी स्टार्ट? ओके ओके राइट. तो आई विल नाउ प्रेजेंट माई स्क्रीन इन फुल स्क्रीन मोड, एंड दूसरा मीटिंग मैंने रेडी करके रखा है, अगर ये बंद होता है तो दूसरा पूरा चालू कर. ओके, तो प्लीज डोंट डू राइट. तो वेलकम ऑल ऑफ यू माई फ्रेंड फ्रॉम ML दहानुकर कॉलेज. मेरा नाम कुलिन शाह है और मैं आप लोगों के साथ 1991 से लेकर 1996 के टाइम पे था. आई हैड जॉइंड एज सिंस FI BCom. मैंने 11वीं 12वीं वहां पे नहीं किया था, मैंने थोड़ा साइंस वगैरह करके मस्ती करके फेल हुआ था, फिर इसमें से यहाँ पे आया था SMCM. और कॉलेज में भी मैं ज्यादा आता नहीं था, लेकिन थैंकफुली मैंने कॉलेज कंप्लीट किया, आप लोग के साथ में नहीं किया. 1993 में मैंने एग्जाम दिया ही नहीं था, मैंने एग्जाम दिया जाके 2006 में और मैं BCom कर ली हुआ. तो टुडे वी विल टॉक अबाउट बेसिक्स ऑफ चार्ट एंड कैंडल्स. आई होप एवरीवन कैन सी द स्क्रीन. Yes, colleague. You can. Okay. Thank you. Right. So now I'll be moving on to the main screen, which is what are charts. अभी ये चार्ट क्या होता है? हमको सबको पता है, x-axis पे होता है, y-axis पे होता है, उसका price और volume का. But stocks related उसका क्या specific उसका हमें फायदा होता है? तो stock charts जो है ना, वो price और volume का history आपके सामने लाके रख देता है. जैसे अगर मुझे आज देखना है कि Infosys का भाव 1997 में कितना था, 2003 में कितना था, तो मैं चार्ट पे जाके विद इन अ मोमेंट में देख, मतलब इसमें मुझे जरा भी टाइम नहीं लगता है. एक तो वो बात हो गया कि आपको हिस्ट्री मिलता है, दूसरा बात ये हो गया कि आपको किस समय पे क्या हुआ था. फॉर एग्जांपल लेमन ब्रदर्स का क्रैश हुआ था जिसको याद होगा, जिसमें सत्यम की वजह से प्लस उसके साथ में सत्यम की वजह से कंपाउंड होकर मार्केट गया था. उस टाइम पे निफ्टी कितना था, वहां से कितना चढ़ा, अभी फिलहाल मार्च 2020 में कितना गिरा, बाद में कितना चढ़ा, ये सब अगर हमें देखना है तो हमें चार्ट की मदद से हमें दिखता है. और चार्ट की मदद से हम एनालाइज करके, अगर आप स्किल्ड चार्ट रीडर बन जाते हैं तो आपको आगे का प्रेडिक्शन भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं और आपका आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. देखिए, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग ये दो अलग चीज है, बट इन्वेस्टर को भी एंट्री करने के लिए चार्ट की मदद लेनी पड़ती ही है और लेनी ही चाहिए. ठीक है, यू शुड नॉट यू नो बाय अ स्टॉक व्हेन इट इज फॉलिंग, you should buy a stock when it is rising and only chart can tell you that. So ये मैं चार्ट के बारे में इतना ही बताऊंगा, क्योंकि आज मीटिंग थोड़ा 30 मिनट का ही है, तो मैं थोड़ा ये करूंगा, बट अगर सबको पसंद आएगा तो वील गो ऑन मेकिंग न्यूज. चार्टिंग टूल्स के लिए हमें घबराने की जरूरत नहीं, देयर आर वंडरफुल टूल्स अवेलेबल फ्रॉम tradingview.com, investing.com, जहाँ पे हम फ्री अकाउंट खोल सकते हैं जिसमें सिर्फ अपना जीमेल आईडी डाल के हम लोग साइन अप कर सकते हैं. और मैं आज प्रैक्टिकली बताऊंगा अभी ये कैसे करना है, यू नीड नॉट वरी. और अगर आप किसी को मालूम भी है कितना कैसा करना है तो प्लीज बेयर विथ मी, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी वेरी बेस. नाउ दिस इज अ चार्ट. हम सबका डार्लिंग स्टॉक है रिलायंस, उसका चार्ट है ये, एंड वॉट वी कैन सी हियर इज अ लाइन ग्राफ. नाउ चार्ट हैज मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो हम आगे देखेंगे. खाली मैंने एक एग्जाम्पल के लिए स्लाइड बना. एंड चार्ट को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कैंडल्स. व्हाट आर कैंडल्स? तो कैंडल्स जो होते हैं जिससे हमें प्राइस मूवमेंट पता चलती है पास्ट में कैसे होती है. जैसे कल फॉर एग्जाम्पल ऑन फ्राइडे निफ्टी ओपन कितना हुआ, लोस कितना हुआ, हाई कितना गया और लो कितना गया, वो सिर्फ एक कैंडल देख के हमें मालूम पड़ जाता है. कैंडल पे जाके हम लोग
हमारा माउस का कर्सर रखते हैं तो हमें पूरा दिन में ये इसकी मूवमेंट पता चलती है। हम उसको इवन छोटे छोटे पीरियड्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 1 आवर में क्या मूवमेंट था, 15 मिनट में क्या मूवमेंट था, 15 मिनट में क्या मूवमेंट था। और इसके ऊपर से कैंडल स्टिक के मूवमेंट के ऊपर से बहुत सारे लोग एल्गोरिदम लगा के उसमें से ट्रेड भी करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, ट्रेडिंग में हम लोग हमने शेयर खरीदा और वो शेयर का भाव बढ़ गए तो हम बहुत एक्साइट हो जाते, और शेयर का भाव गिर जाता है तो हम डर जाते। तो ये जो इमोशंस है ना, वो इमोशंस को हम लोग को कैंडल स्टिक है ना वो हमारे सामने रखता है कि लोगों का फियर रखता है, ग्रीड रखता है, उसको कैसे रीड करना है वो आगे हम थोड़ा थोड़ा समझेंगे। इफ आई एम गोइंग फास्ट और मेरा आवाज अगर नहीं आ रहा है कुछ भी है तो प्लीज लेट मी नो, राइट। कैंडल का जो पोर्शन है वो ऐसा है कि उसके अंदर एक बॉडी बनती है और उसके ऊपर एक तेल जैसा निकलता है और नीचे एक तेल जैसा, जिसको अब कैंडल की मोमबत्ती निकलती है ऊपर और नीचे, तो इसमें नीचे भी निकलती है, राइट। तो जब बॉडी जो है वो डार्क कलर की होती है या रेड कलर की होती है तो इसका मतलब है कि वो एक बेरिश कैंडल है, यानी कि उस टाइम पे प्राइस, उस टाइम पीरियड में प्राइस डाउन जा रहा था, और अगर या तो खाली है या तो ग्रीन कलर की है तो उस टाइम पे प्राइस ऊपर जा रहा था, ये इतना ही इसका मतलब निकलता। नाउ दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बेरिश कैंडल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। जो ये लेफ्ट साइड का डार्क कैंडल है इसमें ये जो है यहाँ पे ओपन प्राइस दिख रहा है, और ऊपर जो है ये है हाई प्राइस, नीचे क्लोज प्राइस है और लो प्राइस है, और इसके एग्जैक्ट उल्टा ये है जो है बुलिश कैंडल जिसमें क्लोज प्राइस ऊपर है, यानी ये कैंडल में जो क्लोज प्राइस है नीचे है वो बेरिश कैंडल में है, और ऊपर में जो जाता है वो क्लोज प्राइस वो बुलिश कैंडल है। एम आई गोइंग ओके, एम आई फीलिंग ओके, या किसी को क्वेश्चन है? परफेक्ट परफेक्ट, यू आर हैप्पी, ओके। सो नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। आई थिंक भाविन हैज जॉइंड अस। सो नाउ वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट आर टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम ऐसा है कि हर एक आदमी के लिए ट्रेड करने का एक टाइम फ्रेम रहता है। कोई आदमी जो है आराम से लेके एक महीना रुक सकता है, कोई आदमी है जो एक साल रुक सकता है, और कोई आदमी ऐसा है जो आज ही लेके आज ही बेच लेना। तो इसको प्राइमरीली हम तीन पोर्शन में डिवाइड करेंगे। एक तो है इंटरमीडिएट, एक है शॉर्ट टर्म और एक है लॉन्ग टर्म, ओके। तो जो नए नए ट्रेडर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम को लॉक करके उसको देखते हुए काम करते हैं। जैसे 15 मिनट का लिए लिया उसमें कैंडल और उसी में काम करने लगे तो उसमें उनकी गलती हो जाती है, जबकि जो एडवांस लेवल पे काम करते हैं वो लोग 2 टाइम फ्रेम लेके काम करते हैं। आइडियली शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम की एंट्री करते हैं और लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम देख के, प्राइमरी ट्रेंड देख के उसमें से एग्जिट लेते हैं या उसको देख के राइड करते हैं। तो मोर रिलायबल द सिग्नल बीइंग गिवन, यानी जो जितना लंबा रहता है टाइम फ्रेम उतना आपका सिग्नल रिलायबल रहता है। यानी अगर आप 1 दिन का टाइम फ्रेम लेके काम करेंगे तो सबसे बेस्ट, लेकिन अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेके काम करेंगे तो उसमें वॉलेटिलिटी, उसमें नॉइज ज्यादा रहता है, तो हम आगे उसको देखेंगे। अभी ये जो मैंने तीन टाइम फ्रेम की बात की थी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडर, एक स्विंग ट्रेडर रहता है जो डेली चार्ट पे देख के डिसीजन लेता है, लेकिन एंट्री करने के लिए 60 मिनट का चार्ट लेके एंट्री करता है, और डे ट्रेडर जो रहता है वो 15 मिनट का चार्ट पे काम करता है, लेकिन उसको ट्रेंड उसको देखने के लिए 60 मिनट का चार्ट, यानी उसमें 60 मिनट का चार्ट दोनों जो यूज करते हैं, लेकिन एक एंट्री के लिए करता है और एक ट्रेंड डिफाइन करने के लिए, राइट। लॉन्ग टर्म जो पोजिशनल ट्रेडर रहता है वो वीकली चार्ट को ज्यादा रिलाई करता है, उसके ऊपर से वो लोग आगे काम करते हैं। डोंट वरी अबाउट ऑल दिस थिंग, इवन इफ यू फॉरगेट, इसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स जो रहते हैं वो हमें थोड़ा हेल्प करते हैं और हमारे बहुत सारे कैलकुलेशन करने का काम बचा देते हैं। जैसे क्या होता है कि प्राइस की मूवमेंट इतनी ज्यादा होती है
और लेवल्स जो है निकालना है एवरीडे वो टीडियस एक काम। पहले हम सप्लाई पहले लोग है ना लेवल्स निकालते थे कि भाई ये आज इतना लेवल से ऊपर जाएगा इतना लेवल से नीचे जाएगा, इंडिकेटर्स हमें वो सारे लेवल्स ऑटोमेटिकली दे देते हैं। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, ओवरलेस एंड ऑसिलेटर। ओवरलेस ऐसा रहता है कि जो चार्ट के साथ साथ चलता है उसको ओवरले बोलते हैं, जैसे कि मूविंग एवरेजेस और बॉलिंगर में। और ऑसिलेटर्स ऐसा होता है जो चार्ट के नीचे आपको दिखेगा, लेकिन वो ऑसिलेटर काम जो ऐसा करेगा कि उसको आपको प्राइस के साथ उसका कॉम्बिनेशन करके एक आपको जो ओवरलेस रहते हैं वो ट्रेंड बताते हैं, और ये जो ऑसिलेटर्स रहते हैं वो मोमेंटम बताते हैं। वो दो अलग अलग चीज ट्रेंड और मोमेंटम को कंबाइन करते हैं ट्रेड लेते हैं। अब मूविंग एवरेज, अभी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नहीं बोलते लेकिन सबसे ज्यादा यूज रहता है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज टाइप के जो इंडिकेटर्स है वो आपको ये बताते हैं कि आपका कितना पीरियड में वो मूविंग एवरेज था, यानी पांच दिन का मूविंग एवरेज क्या था। व्हाट इज द मूविंग एवरेज? इट इज जस्ट अ कैलकुलेशन ऑफ एन एवरेज ऑफ 5 डेज प्राइस या 15 डेज प्राइस या 30 डेज या 100 डेज और 200 डेज। ये मूविंग एवरेजेस को आप याद रखो, आगे इसको हम ट्रेंड फाइंड आउट करने के लिए हमें काम में आएगा। ये एक्सपोनेंशियल जो टाइप के मूविंग एवरेज रहते हैं सिंपल और एक्सपोनेंशियल, जो एडवांस लेवल के लोग रहते हैं वो ज्यादा करके ये में यूज करते हैं। सिंपल मूविंग एवरेजेस आजकल यूज नहीं होती। जब मैंने बोला था कि गोल्ड ट्रेंड फाइंड करने के लिए, तो ट्रेंड फाइंड यानी एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड अगर आपको देखना है कि एक शेयर जो है वो ऊपर जा रहा है या ऊपर जाएगा और कब से ऊपर गया है, वो देखने के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट लोग यूज करते हैं गोल्डन क्रॉस। गोल्डन क्रॉस में ऐसा रहता है कि शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जो रहता है वो लॉन्ग टर्म को क्रॉस करके ऊपर जाता है, तब तो उसको गोल्डन क्रॉस करते हैं। अगर ये बाउंस जा रहा है तो नेक्स्ट स्लाइड में हमें इसका मैं आपको एग्जाम्पल दिखा। नाउ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ चार्ट वेयर 50 डे मूविंग एवरेज है क्रॉस 200 डे मूविंग एवरेज, और उसके बाद आप देखिए यहाँ पे गोल्डन क्रॉस हुआ है। यहाँ पे इसके बाद ये देखेंगे यहाँ पे ये पीरियड से यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है प्राइस ऊपर ही जाने का कोशिश कर रहा है, उसके पहले यहाँ से यहाँ नीचे गिरा। वैसे ही नेक्स्ट जो है ट्रेंड है वो डेथ क्रॉस, यानी जब बेरिश देखना है तो ये बेरिश देखने के लिए क्या करते हैं, अगर 200 डेज का मूविंग एवरेज स्टार्ट के 50 मूविंग एवरेज के नीचे जाता है तो उसको डेथ क्रॉस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ डेथ क्रॉस यहाँ पे, जहाँ पे 50 मूविंग डेज का मूविंग एवरेज 200 डेज को काट के नीचे गया है। ओके, बोलिंगर बैंड ऐसा है कि जिसके अंदर आपको तीन प्रकार के मूविंग एवरेज की बैंड रहती है, अपर बैंड, लोअर बैंड और मिडल बैंड। वो ऐसे दिखता है और इसमें कंप्रेशन और स्क्वीज के ऊपर रहता है ये ज्यादा करके। दिस इज अन एड ऑन इंडिकेटर। अभी हम लोग एक प्रैक्टिकल सेशन करेंगे, अब तक हमने जो भी बोला वी विल ऑल सी दिस इन अ प्रैक्टिकल सेशन कि हम इसको कैसे करेंगे। हाउ टू ओपन अ ट्रेडिंग व्यू अकाउंट, हाउ टू ओपन अ स्टॉक चार्ट, वी विल एडजस्ट लाइन कैंडल्स, टाइप्स ऑफ कैंडल्स, वी विल व्यू चार्ट ऑन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, एंड वी विल अप्लाई इंडिकेटर एंड सी। Alright, see, as you can see, this is the site tradingview.com. अभी इसमें कैसे लॉगिन करना मैं वहां से बिगिनिंग से आपको दिखा देता हूँ। अगर आपके पास ये अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे आप जाके साइन इन करेंगे तो वहां पे आपको सिंपली आपका जो जीमेल आईडी है वहां से उसको डायरेक्टली साइन इन कर सकते हैं। आपको कोई भी आपका दूसरा डिटेल्स देने की जरूरत नहीं, आपका पूरा अपने आप उसमें अकाउंट बन जाएगा। राइट, तो यहाँ पे हम आए हैं, यहाँ पे आप डायरेक्टली जो भी आपको स्टॉक का चार्ट देखना है उसका आप नाम दे सकते हैं। एनीबडी वॉन्ट्स टू सी एनी चार्ट प्लीज
tell me your top name. Take Reliance only. Reliance, देखिए, okay. So Reliance industry. Whenever you are trying to see the chart, please try to see for NSE and not for BSE, because BSE में data जो है delayed आएगा 5-15 minutes. और NSE का chart एकदम live रहता है. Alright? So this is just a tip. यानी आपको यहाँ पे तीन दिख रहे हैं Reliance. एक है Reliance Industries NSE, एक है Reliance Industries Futures in NSE and Reliance Industries stocks in BSE. So you have to normally select the stock in NSE and not futures. फ्यूचर्स उनके लिए है जो फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं, बट इवन वो लोग जो है चार्ट जो है वो मेन Reliance Industries का देखते ही फ्यूचर में ट्रेड करते हैं. सो नाउ व्हेन यू क्लिक ऑन Reliance Industries, इट विल गिव यू आइडियाज एंड इट विल गिव यू टेक्निकल. अभी यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे फुल फ्यूचर चार्ट, उसके ऊपर हम ब्लू कलर का बटन है उस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ. So it will open up in a new window. The best part about trading view is you can also do paper trading. So paper trading को एक बार आपको खाली enable करना है. वो enable करेंगे तो यहाँ पे you can check out your strategies by doing paper trading. कि आप इसमें buy करेंगे, उसके बाद आपको proper profit हुआ, loss हुआ, उसी हिसाब से आप आपकी strategies को थोड़ा modify करके real life ट्रेडिंग कर सकते, राइट? राइट. नाउ दिस इज माय सेटअप, सो आई विल रिमूव ऑल दिस सेटअप बिकॉज़ इट विल बी कंफ्यूजिंग कि ये सब क्या है. सो आई विल जस्ट रिमूव दिस ऑल दिस वन बाय वन एंड आई विल गो टू द वेरी बेसिक. ओके, सी द फर्स्ट टाइम व्हेनेवर समवन सीज द चार्ट, उनको ऐसा एक लाइन ग्राफ दिखता है. इसको जो बोलते हैं लाइन चार्ट. नॉर्मली हम कैंडल्स पे काम करते हैं, तो जो कैंडल्स है वो यहाँ पे, नाउ दिस इज द टॉप बार. ये टॉप बार में बहुत सारा चीज जो ट्रेडिंग व्यू का है उसमें शॉर्टकट दिया हुआ है. तो व्हेन यू सी द फर्स्ट, वेरी फर्स्ट थिंग इज द नेम ऑफ द स्टॉक, राइट? सो देयर यू कैन गो एंड चेंज द सिंबल. आपको रिलायंस के बदले अगर आपको यस बैंक देखें तो यहाँ पे आप यस बैंक ट्राई करेंगे तो यहाँ से आप सीधा यस बैंक का स्टॉक ओपन कर सकते. ओके, सो आई विल गो बैक टू Reliance. सो दिस इज हाउ वी चूज स्टॉक्स फ्रॉम विद इन द चार्ट. यू डोंट हैव टू गो बैक टू द मेन ट्रेडिंग व्यू पैनल. आफ्टर दिस व्हाट यू विल सी हियर इज द टाइम फ्रेम, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट. नाउ ये सब मैंने इनको सबको स्टार मार्क करके रखा है, इसलिए ये सब यहाँ पे आ रहे हैं. बाई डिफॉल्ट ये कुछ नहीं है. टाइम फ्रेम साइज चेक, तो एक ही टाइम फ्रेम यहाँ पे आपको दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है और यू हैव टू चेंज द टाइम फ्रेम हियर. आपको जो भी टाइम फ्रेम रखना है वन डे का, तो आप वन डे को रखेंगे यहाँ पे. ये वन डे हो गया. एंड आई विल बी नाउ चेंजिंग द टाइप टू कैंडल. अभी ये जो लाइन है इसको मैं कैंडल में चेंज कर, तो दिस हैज बिकम अ कैंडल. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैंडल, वन इज अ नॉर्मल कैंडल एंड अनदर इज अ अकेनासी कैंडल. अकेनासी कैंडल थोड़ा एडवांस लेवल का है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले ये कैंडल को समझते हैं. नाउ द वेरी लास्ट डे ऑफ ट्रेडिंग वाज 19th मार्च. तो मैं वो कैंडल पे जाके जब मैंने कर्सर को रखा तो आई कैन सी एट द बॉटम 19th मार्च 21. कैन एवरीवन सी द डेट ओवर देयर? यस यस. ओके, यस कुलिन, ग्रेट, थैंक यू. नाउ यहाँ पे आपको ऊपर टॉप में ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये चार वैल्यू दिखेगी. तो दैट जो चार वैल्यू वो लास्ट दिन की, लास्ट ट्रेडिंग डे की है, लेकिन जिस दिन का आपको देखना है आप वहां पे जाएंगे तो वहां पे वैल्यू चेंज होती नजर में आएगी. ये मैं थोड़ा इसको आपको दिखे ऐसा करता हूं.
अच्छा कुलीन, ये लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्रीन पे एक छोटा विंडो ओपन हुआ है, वो प्लीज, वो आई थिंक ऐड है कोई, वो ऐड है, वो ऐड है, वो ऐड आता है, उसको थोड़ा अनोइंग रहता है, उसको निकालना पड़ता है, बट अभी सिंस वी आर डूइंग अ फ्री वर्जन वी हैव टू बेयर विद दैट. ओके, सो नाउ आई विल कम बैक टू दिस. नाउ यू कैन सी, ओके, सो दिस लास्ट कैंडल ऑफ 19th मार्च, अब जहाँ पे मैंने जाके रखा, तो उस दिन रिलायंस 1991 से ओपन हुआ था और हाई गया था 3095 रुपीज और लो गया था 1983 एंड क्लोज हुआ था 3083 से, राइट. एंड अगर उस कैंडल का आप कलर देखोगे तो ग्रीन है या ग्रीनिश ब्लू है जैसा आपको दिखता है, तो ये एक उस दिन बुलिश रिलायंस चला था, मतलब उस दिन लो ओपन होके, मतलब एकदम लो नहीं है लेकिन 1991 ओपन होके वो बाद में ऊपर तक गया और ऊपर से जाके यहाँ पे क्लोज हुआ, दिस इज वॉट इट मीन, राइट. ये उस दिन का अगर हम देखेंगे ये ऐसे होता है, उसके अगले दिन क्या हुआ, तो उसके अगले दिन ओपन हुआ था 2073, हाई गया था 2084, लो गया था 2001 एंड क्लोज हुआ था 2009. जाने ये जो क्लोज हुआ है 2009, यहाँ पे क्लोज दिखा रहा है, ओके. तो रेड कलर का कैंडल रहता है वो उस दिन का बेरिश कैंडल है और ये है बुलिश, राइट. ये दो एग्जाम्पल से हमें समझ में आ गया. Yes, okay. Okay. Now, ये मैंने कैंडल्स के बारे में आपको थोड़ा बताया. Now, I will try to add some moving averages over there. तो हमें immediately moving averages कैसे work करते हैं वो पता चलेगा. Moving averages करने के लिए मैं यहाँ पे रिलायंस है, फिर यहाँ पे जो टाइम इंडिकेटर है, यहाँ पे कैंडल्स है, उसके बाजू में एक प्लस है, उसके बाजू में एक आपको इफेक्ट करके दिख रहा है. Yes. तो मैं वहां पे जाता हूँ तो इंडिकेटर एंड स्ट्रेटेजी जाती है, राइट. उससे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे यू कैन सर्च एंड इंसर्ट योर मूविंग एवरेज. तो आई विल जस्ट टाइप हियर EMA, तो यहाँ पे आ गया मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ओके, दिस वेरी फर्स्ट वन. आई विल क्लिक ऑन दैट. तो यहाँ पे बीच में एक लाइन आ गया ब्लू कलर का, ये सबको दिख रहा है line in the candle below, between the candle. Yes. Yeah. So that is a nine. That is the EMA 9 days का moving average है. इसकी property set कर सकते हैं. मैं आपको property कैसे set करना दिखा दूँ. So I go on to that indicator का नाम है यहाँ पे EMA 9 days. Settings का button है. इधर मैं click करूँगा. और inputs में जाऊँगा. Inputs में जाके मैं जो लेंथ है, फर्स्ट विल वी आर गोइंग टू जस्ट फाइंड आउट अबाउट गोल्डन क्रॉस. तो मैं इसको 50 करता हूं और सोर्स को क्लोज रख के टाइम जो है उसको मैं ग्रीन करता हूं और फिक्स करता हूं उसको यहां से ओपेसिटी 100% एंड आई विल क्लिक ऑन ओके. नाउ दिस लाइन हैज बिकम ग्रीन एंड फिक्स. कैन एवरीबॉडी सी दैट? Okay. Yes. Okay. And I will be adding one more EMA here. And उसका मैं जो है value set करता हूँ to 200. और उसका जो color है मैं red. और उसके so this 200 days moving average here is at 1939. yani Reliance jab tak 1939 ko cross karke niche nahi jayega wo bearish move, okay, on a closing basis yani din uska matlab 3:15 baje ke aas pass agar 1940 ke niche Reliance nahi jata hai so you can stay in Reliance long. this is what is a long term ke liye strategy. okay. This meeting is to get over. I will be sending you another meeting ID. It is already connected and it is showing me that it will start. Anyway, so I am showing its golden cross. So can you see this 16th May 2020?
यहाँ से आप देखो रिलायंस का जो चलना चालू हुआ था 15 मई 2020 को रिलायंस का क्लोजिंग बेसिस पे 14,440, यहाँ से जो चलना चालू हुआ था इट इज स्टिल गोइंग ऑन बुलिश, दिस इज व्हाट इज नोन एज अ गोल्डन क्रॉस, ओके। और उसके इमीडिएटली पहले थोड़े टाइम पहले ही देखिए यहाँ पे 13 मार्च 2020 पे डेथ क्रॉस हुआ था, तो उस दिन क्या था रिलायंस 988 हुआ था और उसके बाद में तो एकदम नीचे जाके 934 भी दिखा रहा है, यानी डेथ क्रॉस जब होता है तो फटाक से गिरता है और अगर गोल्डन क्रॉस होता है तो लॉन्ग टर्म पीरियड पे चीज चलती है अच्छे से, तो यू हैव टू वॉच दिस काइंड ऑफ ट्रेंड्स, ऑलराइट राइट ओके। तो आई विल आल्सो शो यू और एक इंडिकेटर आपको दिखाता हूं RSI करके, राइट। व्हाट इज RSI? RSI इज रियल टाइम सॉरी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो यहां पे हम जाके एफएक्स यानी इंडिकेटर से RSI को लेते हैं, सिंपल RSI लेते हैं। तो यहाँ पे नीचे एक और एक विंडो चालू हो गया, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक ऐसे लाइन आ गया है नीचे टॉप के नीचे, टॉप के नीचे, कैन यू सी? यस कुलिन। ओके, तो अभी इसमें ज्यादा करके लोग ऐसा सेटिंग करते हैं कि जो है अपर बैंड 70 का रखते हैं, लोअर बैंड 30 का रखते हैं, 80 और 20 भी रख सकते हैं। नॉर्मली व्हेन RSI shows below 20, it is extremely bearish. Yani at that time, if you buy, you will get a jump. Okay, but that you have to do it in combination with the moving average. So, agar aap yahan pe dekho, to jab ye 8 May ko dekhenge, to RSI was around 74. Aur usi time se, uske baad mein death cross hua tha, uske aaspaas, aur jo market girna chalu ho gaya tha. तो नॉर्मली 80 के ऊपर जाता है वहां से रिटर्न आता है, आप देखेंगे दिस इज ऑल आई एम शोइंग यू ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, दिस इज नॉट एनी अदर टाइम फ्रेम, हम दूसरे टाइम फ्रेम की अभी बात करते हैं। RSI इज वेरी इंपॉर्टेंट, RSI देखेंगे तभी टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नॉर्मली 45 to 55 के बीच में अगर RSI रहता है तो इट इज अ लो ट्रेड जोन, उस टाइम पे हमें एंट्री नहीं करनी चाहिए, एग्जिट नहीं करना चाहिए RSI के। Right, Kulin, Kulin, can you just say that again? Okay. See, if RSI on a daily basis is between 45 and 55, okay, then it is a no trade zone. उस time पे आप उस stock में entry या exit नहीं करेंगे, या उसको buy करेंगे, ना उसको sell करेंगे, तो ज़्यादा अच्छा है। 55 के ऊपर जाएगा, तब आप उसको buy करिए। 45 के नीचे जाएगा, तो उसको sell। Okay. Okay. But this is just don't look at RSI only. We should also look at other things. Okay, जो हम आगे फ्यूचर में देखेंगे, but this is just जो जो हम छोटे-छोटे हैं, वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ. Alright? Any questions so far? अभी तक जो हमने देखा है, उसमें कोई questions हैं? तो कुलिन, अगर से फॉर एग्जांपल अगर RSI अगर 40 के नीचे ड्रॉप होता है, तो इज इट अ टाइम टू सेल या फिर इट्स अ टाइम टू यू नो री एंटर? ओके, सो दैट डिपेंड्स विवेक, कि आपने अगर लिया कभी, ओके, जैसे नॉर्मली 40 के उसमें आप जो बोल रहे हो ना, उसको RSI में एक शार्ट स्ट्रेटेजी है, उसमें आदमी देखता है, तो उसमें आपको तीन टाइम फ्रेम देख के देखता है। मैं शार्ट स्ट्रेटेजी के बाद में बारे में बात करना चाहूंगा, थोड़ा दो मिनट कर लेता हूँ। व्हाट इज शार्ट स्ट्रेटेजी इज ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम, नाउ प्लीज लिसन केयरफुली, इफ ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम RSI इज अबाउट, शुड आई ओपन वन नोट पैड एंड राइट ओवर दिस? So it will be helpful to all of you. If on a monthly time frame RSI is about 60,
And then on a weekly time frame also it is about 60. Okay. And on a daily time frame, if it is above 40, then that is the best time to buy and hold. But that is only for very long term investments. So 1 year, 2 years, this to hold करना है. इसके लिए RSI strategy बता रहा हूँ. उसके लिए आपको patience की राह देखना पड़ेगा. कि कब कब ये setup आ रहा है. Okay. Okay. So I was trying to open another computer. Okay. तो RSI stars strategy बोलते हैं इसको. इसके लिए थोड़े अलग से मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. फॉर एनी स्टॉक विच इज इन अपट्रेंड. ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एनी स्टॉक विच इज इन अपट्रेंड. अपट्रेंड कब देखोगे आप? कि जब एक गोल्डन क्रॉस हो जाता है तो आपको अपट्रेंड मिल जाता है. एंड RSI मंथली इज अबाउट 60. RSI weekly is also above 60. And daily RSI is above 40. Then it is the best time to buy at short and hold. Abhi aapne buy to kar liya and hold bhi kar liya. Exit kab karoge? Zindagi bhar pakad ke nahi rakhna. Correct. So your exit will be when weekly RSI goes 2 points below 60. यानी 58 छोड़ता है तो आपको उसको एग्जिट कर देना है. मोस्टली आप ऐसे बाई एंड होल्ड करेंगे और एग्जिट करेंगे तो आपको लॉसेस नहीं आएगा. एग्जाम्पल के साथ देख सकते हैं. ओके, फॉर दैट मैं यहाँ पे सेटिंग इसका थोड़ा चेंज. चार्ट्स आर वंडरफुल. यू कैन रीड चार्ट्स मोर. आपको बहुत मजा आएगा. आपको ट्रेड अच्छे से मिलेंगे. आराम से काम करेंगे. ओके, सो एवरीबॉडी डार्लिंग स्टॉक रिलैक्स. ऑलराइट, सो फर्स्ट वी विल चेक मंथली 60 के अबव कभी गया. ओके, सो लास्ट जो गया है 60 के अबव वो अप्रैल में गया है. ऑलराइट, इसके पहले वो जाके वापिस आया जाके वहां. लेकिन जब गया उस टाइम पे आप देखो वहां से कैसे स्पाइक हो रहा है. यहाँ पे स्पाइक अभी अप्रैल का के बाद उसका वीकली स्ट्रक्चर देखते हैं. वीकली में 60 के ऊपर गया था अप्रैल में. सॉरी, ऑलमोस्ट मई महीने से ऊपर है वीकली में. और वो अक्टूबर तक 2020 का अक्टूबर तक वो देख लो. तो जब जैसे उसने 60 के नीचे गया वो उसने रिलायंस ने डाउन चालू करना चालू कर दिया. एट दैट टाइम इट वॉज 2184. अभी मंथली में हम जाके उसका प्राइस देखते कि हम लोग का एंट्री प्राइस के टाइम पे क्या प्राइस तो इट वॉज अराउंड 1400. कैन यू सी दिस? ऊपर देखिए, ऊपर अराउंड 1400 पे था. और हम वीकली RSI जब हमारा 60 के अंदर गया तो इट वॉज अराउंड 2300. यानी 1400 पे अगर आप रिलायंस तभी बाई करते हैं और 2300 पे निकलते हैं तो कितना रुपए का प्रॉफिट था? 900 रुपीज का प्रॉफिट था ऑन अ पीरियड ऑफ मई टू अक्टूबर. यानी 5 मंथ के पीरियड में आपको 900 रुपीज रिलायंस में मिला, विच इज ऑलमोस्ट 70% इंक्रीज. एम आई राइट इन योर इन्वेस्टमेंट? बोले था आपके पास से आना था. इधर बैठने चुपचाप बैठो. मैं इसके लिए आया नहीं. बेसिकली ये जो अपना उस दिन हमारा राहुल साहब बोला था ना वेबीज का,
तो वो नीचे इसको पूछा मुझे आप लोग का ये चाहिए ना, ओके मैंने उसको म्यूट कर दिया है, तो मुझे आप लोग का फीडबैक चाहिए, तो सॉरी अबाउट दैट डिस्टर्बेंस। तो अभी हमने ये देखा, सॉरी कुलिन, एक क्वेश्चन है इधर, ओके, एज वी आइडेंटिफाई सो मेनी फैक्टर्स, ओके, कैन आइडेंटिफाई द बॉटम इन दिस केस। मार्च महीने में 40 था, बट जब हमारा मई में हमने आइडेंटिफाई किया उसके बाद में हमको यहाँ पे रिलायंस में एंट्री मिलना बहुत मुश्किल था, 40 टू 60 के बीच में होना चाहिए, बिट वॉज अराउंड 18th मई, तो भी आपको 1470 के आसपास आपको एंट्री मिल गया है, राइट यहाँ पे। एंड बाद में डेली में कितना भी नीचे जाए हमको एग्जिट नहीं करना है, जब तक वीकली में वो 60 के नीचे 58 के नीचे नहीं जा रहा है। प्लीज डू इट ऑन अ पेपर ट्रेडिंग बेसिस, आप पास्ट में कोई भी चार्ट देख के आप आराम से 10-20-25 चार्ट देख के उसको पेपर ट्रेड करके आप देख लो, आपको मालूम पड़ जाएगा कि मोस्टली आपको लॉसेस नहीं होगा, और लॉसेस हुआ भी तो बहुत माइनर लॉस में आप निकल जाओगे, क्योंकि कभी कभी कैसा होता है कि वीकली में 60 के ऊपर गया फटाक से अंदर चला गया तो उसमें 5-10 रुपए के लॉस में आदमी निकल जाता है, इन्वेस्टर को फर्क नहीं पड़ता है 5-10 रुपए, लेकिन अगर प्रॉफिट होता है तो ऐसे 900 रुपए का। ओके अभी व्हाट वाज योर क्वेश्चन हेलो हेलो विद दिस कैंडलस्टिक आपने बोला कि लेकिन बॉटम पकड़ नहीं आ रहा है अपने को, राइट बॉटम पकड़ना नहीं है, पकड़ने के लिए बॉटम पकड़ने के लिए कोई है क्या एनालिसिस? अतुल बॉटम नहीं पकड़ सकता है, आप टाइमिंग नहीं कर सकते हो मार्केट को, आपको मार्केट को बीच में ही घुसना पड़ेगा और मार्केट के बीच में ही निकलना पड़ेगा। कोई रिलायंस लेके अभी तक 2200 रुपए तक खड़ा है, ऐसा वो धीरूभाई अंबानी ही होगा और कोई नहीं। करेक्ट करेक्ट, बट इसमें एग्जिट सिग्नल इम्पोर्टेंट है। अभी आप मेरे को अगर ऐसा कोई शेयर है जिसमें फंसे हो तो मुझे बताओ, तो उस शेयर का हम एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि कब से आप एग्जिट करते थे तो आपको बेटर रहेगा। आई कैन हेल्प यू विद दैट। हां तो ये है महिंद्रा ईपीसी करके एक शेयर है। ओके लेट अस कुलीन, आपने ये टेक्निकली बोला, कुलीन आपने ये टेक्निकली बोला कि 60 के ऊपर और 40 के नीचे, अरे सर बट एक्चुअली इसका मतलब क्या है, मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए? ओके ये जो है ना, ये RSI है ना, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, इसके मतलब इसका मतलब ये है कि वो रिलेशन टू व्हाट, रिलेशन टू वॉल्यूम, प्राइस का वॉल्यूम के साथ रिलेशन करके वो 14 डेज का पीरियड है उसको लेके वो ट्रेंड बताता है, यानी 60 के ऊपर गया मंथली बेसिस पे प्लस वीकली बेसिस पे, यानी उस मंथ में और उस वीक में जो है आपका वॉल्यूम और प्राइस एकदम स्ट्रांग था, वो नीचे आने का उसका चांस ही नहीं, और वैसे ही वो 40 के नीचे गया तो उसका ऊपर आने का चांस नहीं है, ऐसा भी होता है, आप समझे? यानी क्या होता है जब बैर लोग पोजिशन में आते हैं ना तो वो उसको इतना मारते कि वो 40 के नीचे चले जाए, क्योंकि वो लोग ऐसा धड़ाक से अपना सब पोटला खोल के देखते और हम लोग उस टाइम जब ट्रैप हो जाते, तो हमको ट्रैप नहीं होना है करके हम ये सब सही करके हम बाई करेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहे। ओके तो महिंद्रा ईपीसी स्टॉक को हमने लगा दिया है चार्ट से। अभी अतुल ने क्वेश्चन पूछा था, अतुल तेरा क्या प्राइस का बाइंग है भाई? 161 में लेके आप उसमें अटक गए और अभी लास्ट उसका क्लोज आया है 147, ऐसा बोल रहे हो क्या? राइट राइट ओके
161 में तेरा मेरे को टाइम बताया कभी, कौन सी तारीख को लिया था अंदाज से? अभी एक महीना हुआ रहेगा फेब में। हाँ तो जनवरी के आसपास लिया है, 6-7 जनवरी को तो लिया रहेगा। ओके ओके, तो 6-7 जनवरी को है ना, उसका आरएसआई जो था वो 60 था और उसके बाद वो फटाक से नीचे आने चालू हो गए। ओके, डेली में, वीकली में देखते हैं कि 7 जनवरी को क्या होगा। ये एक्चुअली ये बहुत नया शेयर है तो इसमें ज्यादा डेटा नहीं मिलता है। जनवरी तो उस टाइम पे देख, तू अगर ये आरएसआई देख के करता ना तो एंट्री ही नहीं करता, क्योंकि तेरा आरएसआई है ना उस वीकली में, उस टाइम पे तेरा आरएसआई था 57, तू एंट्री ही नहीं करता, तो तू बच जाता। मंथली में तो इसका आरएसआई क्रिएट ही नहीं हुआ है, तो क्या बोलूं तेरे को, अभी उतना नया शेयर है। ठीक है, अभी अभी एक काम करते हैं, ज्यादा बड़ा क्वांटिटी नहीं है तो अच्छा है। ओके, अभी भी ये 200 डेज का मूविंग एवरेज से 147 पे है धन भाई, 147 तोड़ के नीचे गया तो खराब होएगा, इतना समझ लो। अभी तो 14-15 रुपए के नुकसान पे है, अगर होल्ड कर सकता है, ज्यादा बड़ा नहीं क्वांटिटी है तो होल्ड कर सकता है, क्योंकि इसका नेक्स्ट जो लेवल है वो 125 रुपया है थोड़ा। तो ओके, आई हैड आल्सो वांटेड टू शो यू हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन, है 5-10 मिनट टाइम? यस यस कुलिन, गो अहेड। ओके, सी नॉर्मली अगर आप शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में काम करते हो तो आपको क्या करना चाहिए, सिंपल मैं चीज बताऊं, एकदम सिंपल चीज है, रोज शाम को क्या करने का, आज आज के दिन यानी शाम को 3:30 बजे के बाद आपको क्या करने का, आज के दिन का जो कैंडल है वो लास्ट कैंडल लेने का और उसका हाई पे जो है ना यहाँ पे जाके ऐसा पर्सन रखने का और ऑल्टर एच ये बटन दबाने का, ऑल्टर एच तो एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा उसके ऊपर और उसके नीचे जाके वापिस से एकदम नीचे के पास जाके ऑल्टर एच वापिस दबा देने का, एक लाइन नीचे का ड्रॉ हो गया। अभी ये जो नीचे का लाइन है ना उसका कलर चेंज कर देना, उसको रेड कर देना था और ऊपर को ग्रीन रखना, उसका मैं रीजन बताऊं वो कैसे करने का, उसके लाइन को फ्लिप करना था और उसका सेटिंग में जाना और उसका कलर यहाँ से चेंज करना, जो ग्रीन है तो इसको ग्रीन रेड कर देना और इसका ग्रीन इसका रेड कर। ठीक है, अभी इंट्राडे में आप काम कर रहे हो, दूसरा दिन चालू, तो दूसरे दिन से अगर समझो ये रिलायंस का शेयर है ये ग्रीन लाइन के ऊपर खुला और आधे घंटे तक उसके ऊपर टिका ना, तो यू कैन बाय। और अगर ये रेड लाइन के नीचे खुला और आधे घंटे तक टिका तो यू कैन शॉर्ट ऑल करो। एकदम सिंपल फंडा में काम करना है, ये सबसे सिंपल फंडा ये है, अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट किया और उसका स्टॉप लॉस क्या रखने का, ये कल का लो, और अगर यहाँ पे बाय किया और उसके ऊपर 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 आपको स्टॉप लॉस क्या रखने का, कल का हाई, बस इतना करो तो आप लॉसेस से बच जाओगे। इज दिस क्लियर, इसमें कुछ कोई डाउट है? कुछ कितना है बोलिन, यस बैंक का एग्जाम, आई एम सॉरी, यस लाइन कैसे, अल्ट क्या दबाने का, अल्टर एच, एच फॉर होटल, अल्ट एच। ओके, मैंने बोला था यस बैंक का भी एक एग्जांपल दे, यस बैंक, यस बैंक का एग्जांपल कौन पूछा, मंदार 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 मंदार, यस बैंक, यस बैंक मंदार, एक बात बोलूं, ये चार्ट पे है ना बहुत खराब है, बट ये जो है न्यूज फ्लो के हिसाब से और सब चीज के हिसाब से चलने वाला स्टॉक, ये अभी आप देखोगे कि 200 डेज का मूविंग एवरेज इसका जो है वो 21 रुपया है और 21 रुपए से और 50 मूविंग एवरेज के नीचे भी चल रहा है, तो सब लोग को क्या लगेगा, यहाँ पे जो है ना सब लोग बेच के निकल जाएंगे और इस टाइम पे ऑपरेटर आके खरीद के इसमें बैठ जाएंगे। एक बात याद रखो, 31 मार्च के बाद इसका निफ्टी नेक्स्ट 50 में वापिस से इंक्लूजन होने वाला, तो
रीबैलेंसिंग होगा, लोग इसमें वो लोग म्यूचुअल फंड वाले ये जो भी लोग हैं जो उसमें काम करते हैं वो लोग उसमें चढ़ेंगे। तो मेरे हिसाब से यस बैंक में अभी एग्जिट करने का तो टाइम नहीं। ओके ओके अभी अभी और एक चीज दिखाना चाहता हूँ, ये जो RSI ये 31 है यानी एक्सट्रीमली बेरिश के पास आ गया, एक्सट्रीमली बेरिश है और लोग एकदम फियर में है। फियर में होता है एक्सट्रीमली बेरिश होता है, होता है वॉरेन बफेट टाइप के लोग खरीदते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मेरा सुनते जाके कल 10,000 कौन सी कीमत खरीद लो, लेकिन थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करेगा, थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करेगा तो चले। ओके कुलीन एक राजेश एक्सपोर्ट का एग्जांपल लेंगे क्या? वेरी गुड, कल बहुत जोर से गया। अच्छा इसमें इसमें एक बहुत मस्त चीज दिखाना चाहता हूँ, थैंक यू। किसने मेरे को सजेस्ट किया ये राजेश एक्सपोर्ट? राहुल 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 अच्छा राहुल देखो ये कल का है ना ओपन और हाई 516 रुपीज दिख रहा है आपको ऊपर यहाँ पे कैंडल यहाँ पे, तो जो ओपन एंड हाई जिसका गेम रहता है उसका अगर 10-15 मिनट 25-30 मिनट तक अगर ओपन हाई सेम रहा ना तो उसमें से एग्जिट कर दे, ऐसा बड़ा फॉल आ सकता है। मैं आपको एक छोटा टाइम फ्रेम कवर का लेके दिखाता हूँ कल के इस कॉल में। एक अवर का टाइम फ्रेम से मैं आ गया हूँ, ये देखिए 2:15 ये बड़ा फॉल आया। ओके 9:15 ओपन हाई 516 का है, 495 तक जाके 502 हुआ और नेक्स्ट कैंडल इसके बाद का कैंडल का अगर आप शॉर्ट कर देते हो ना 502 के आसपास तो आपको उस दिन नीचे में खरीदने मिलता ये शेयर 474 रुपए में, 474 रुपीज में, यानी आपको 25 रुपए का फायदा होता शॉर्ट करके। लेकिन जो अभी लोगों को लगता है ये क्या है, मैं राजेश एक्सपोर्ट पूछा मेरे पास को शेयर है और ये शॉर्ट करने की बात कर रहा है, मेरे जख्म पे नमक डाल, लेकिन मैं जख्म पे नमक डालने की बात नहीं कर रहा हूँ। ये एग्जांपल मुझे मिल गया कि बहुत अच्छा एग्जांपल दिखा दिया कि जिसमें से ये अपन इसको आगे ले सकते। तो राजेश एक्सपोर्ट में कुछ क्वेरी है क्या आपका? क्वेरी नहीं, लॉन्ग टर्म एक मतलब 6 मंथ्स के रेंज में व्हाट डू यू थिंक? अभी ये फाइंड आउट कर सकते हैं क्या क्या हो सकता है आगे के 6 महीने में या पीरियड में और समथिंग? एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ। डेली में इसका RSI क्लोज हुआ है 37 पे, वीकली में वीक है 46 RSI क्लोज हुआ है, मंथली भी बहुत वीक है। इनफैक्ट अभी ये जो है ना इसका अपट्रेंड चालू हो सकता है थोड़े दिन के बाद में, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर आपने होल्ड क्या भाव में बाय किया है? मैंने 515। अच्छा इसके आसपास ही बाई किया, 474 क्लोज है, 515 के आसपास बाई किया है। तो इसको है ना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ही है 470 का, तो अभी 4-5 वीक का जो है ना सपोर्ट है 474 रुपीज के आसपास ही सपोर्ट है। अगर ये 469 तोड़ता नहीं और एक दिन मतलब किसी भी दिन 3:15 के आसपास 469 का भाव आता है क्लोज का, तो आप उसमें से एग्जिट कर देना, आप फिर भी 45 रुपए का लॉस में निकल जाओगे क्योंकि बाद में 430 का भाव दिख रहा है, यानी उस टाइम पे एंटर करोगे तो ठीक रहेगा, एटलीस्ट 30-40 रुपए बच जाएगा। और नहीं तो अभी ये जो है ना ये गोल्डन क्रॉस बनने की फिराक में है। आप देखो ये ग्रीन जो 50 दिन का मूविंग एवरेज और 200 दिन का मूविंग एवरेज बाजू बाजू में आ गया, अगर कल परसों ये बाउंस देता है तो हो सकता है यहाँ पे गोल्डन क्रॉस बने तो आप निकल भी सकते हो, आपको आपका भाव मिल भी सकता है। बट दैट विल ओनली हैपन इफ इट स्टेज अबाउट 527 रुपीज ऑन द क्लोजिंग बजट एंड देन इट्स नेक्स्ट रेजिस्टेंस विल बी 537। अगर ये कल के दिन मंडे देख लेना क्या होता है इसमें, अगर ये वापस चैनल नहीं मारता है तो इट इज बेरिश, क्योंकि एक्सट्रीमली बेरिश नेगेटिव सिचुएशन। लास्ट अर्निंग जो था 7 रुपीज स्टैंडर्डाइज रिपोर्ट 1 रुपया
फंडामेंटली तो अच्छा कंपनी है मेरे हिसाब से, कितना खरीदा है क्या खरीदा है। कुलिन ये जो ग्राफ्स है, ये ग्राफ जैसे अभी मेरा अकाउंट जीरोधा में है तो वहां पे भी ये ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं? अरे जीरोधा में तो ट्रेडिंग भी पूरा होगा ना, अच्छा प्लेटफॉर्म है जैसी ट्रेडिंग भी है ना, फ्री वाला अकाउंट में ना खाली तीन इंडिकेटर लगा सकते हो। जीरोधा में अगर तेरे पास है तो उसमें तो 20-25-50 इंडिकेटर लगा फुल। ओके ओके, जीरोधा का काइट प्लेटफॉर्म तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। ओके ओके, मैंने भी लास्ट वीक में ही बाय किया है। विवेक कितना खरीदा है? नहीं नहीं कितना नहीं खरीदते हो, ये पहला मेरा पहला मतलब क्वेरी है। नहीं, अच्छा मेरा लास्ट वीक का बाय है ना 120 का है। 120 का बाय है तेरा? आईआरबी मॉइस्चर ये जो लास्ट वीक में जब आरएसआई बढ़ा था ना उस टाइम का बाय है। डेली कैंडल पे बता रहा है लेकिन वीकली कैंडल पे देखना पड़ेगा। वीकली कैंडल पे तूने तभी लिया जब वो नीचे आ रहा। यही गलती हम लोग सब करते हैं। ओके राइट, हम लोग देखते नहीं है और हम लोग खरीद लेते हैं। तो ये यहाँ पे अभी जो मैंने बोला उसी हिसाब से आप देखेंगे क्लियर कट क्या दिख रहा है। लास्ट वीक में उन लोगों ने सबसे ट्रैक करने के लिए हाई प्राइस करके फिर नीचे ले गया। और ये अभी ये जो लाल जो हाथी है मतलब लाल कलर का साड़ी है 200 का और 50 का नीचे है, तो ये हो सकता है कि अभी ये कंसोलिडेशन फेज हुआ है, काफी टाइम से कंसोलिडेट हो रहा है, ऊपर जाने की कोशिश करें। लेकिन अभी इसका गति तो नीचे का दिख रहा है, 120 का आपका बाय है और 108 का क्लोज है। क्या बोलूं मैं, क्या सुनना चाहते हो बोलो। नहीं जो भी है स्टॉप लगा दो, 105 का स्टॉप लॉस लगा दो। ओके ओके ठीक है। कैन यू चेक पीएमसी इंफ्रा? पीएमसी पीएनएन एन फॉर नॉर्थ। अच्छा ओके, कहां से पकड़ लाए हो? अच्छा शेयर अच्छी जगह पे पकड़ा है, क्या भाव में लिया? मैंने दो बार ट्रेडिंग किया, इनिशियली आई बॉट एट 180, आई सोल्ड एट 220, देन आई हैव एंटर्ड नाउ एट 245 के आसपास एंट्री किया है वापस। अगर तुमने पकड़ा है 240 के भाई के आसपास तो अभी एक ही रूल याद रख, ये देख वीकली आरएसआई दिखा रहा हूं अभी 64 है, रोज शाम को देखना जिस दिन 58 के नीचे निकलेगा उसी दिन तो एग्जिट करेगा, एग्जिट करना ही मत। एक साल दो साल चल रहा तो जब तक वीकली 60 के नीचे नहीं आया एग्जिट मत करना, मेरे को लगता है तो इसमें 100-200 रुपए को लेके जाएगा। ओके गुड एंट्री, एक्यूमुलेट करना है नहीं करना है वो तेरा मर्जी है, लेकिन जितना है उसको पकड़ के रख सकते। हाँ नहीं वो तो थोड़ा टाइम रखना ही है, मतलब इतना एकदम ढाई नहीं है ऐसा कुछ। हाँ तो इसको रोज शाम को 3:30-3:15 है ना, रोज शाम को एक ही काम करना, चार्ट खोलना, वीकली आरएसआई कितना वो देखना। ओके एक वैसे और एक देखो वेल्सपन कॉर्प। हाँ देख सकता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या थोड़ा एग्जांपल्स भी मिल जाएगा ना कैसे है क्या चार्ट है क्या है, ऊपर से लर्निंग ज्यादा हो सकता है। इसमें भी अभी एंट्री किया है मैंने 124-125 के आसपास एंट्री है। निकल जाए 58 हो गया। 58 हो गया
दोनों ही सपोर्ट नहीं कर रहा है और डेली में क्या वो ओवरबॉट के साथ आ गया है 80-60 के आसपास आ रहा है, मतलब ठीक है ठीक है टाइप का, मतलब ये टेक्सचर का जो चला उसमें सब लोग चढ़ गए, उसमें चल गया तो चल गया बाकी सब उसके चार जन हैप्पीएस्ट माइंड इसमें डेटा नहीं मिले नया है, हाँ ये अभी नया है तो ज्यादा डेटा नहीं रहेगा, करेक्ट डेटा नहीं मिलेगा, मैं कुछ बोल लेता हूँ, इसके बेस पे मूविंग एवरेज बन रहा है, 200 दिन का भी नहीं बन रहा है, क्या बोलूँ, मतलब ये अभी होल्ड करूँ कि क्या करूँ, मेरा एंट्री प्राइस बहुत लो है इसमें, नहीं बता सकता मैं दोस्तों, इसमें बेकार ही है, इसमें मैं खुद भी बोलूंगा मैं गलत हो सकता हूँ, मैं एग्जिट बोलूंगा लॉस हो जाए, डेटा के बेसिस तो पता नहीं, बट मेरा माय बेसिक क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू राइट नाउ इज कि आज अभी तक जो हम लोग समझे उसके अंदर कोई क्वेरी है, स्टॉक्स का क्वेरी तो ठीक है, इसके अंदर कोई क्वेरी है कुछ समझ में नहीं आया, इसमें जब तक खुद हम लोग नहीं करेंगे ना तब तक फ्रैंकली स्पीकिंग क्वेरी नहीं निकलेगा। ओके तो अभी मैं एक बात बता रहा हूँ, मेरा होमवर्क है वो मैं होमवर्क दे देता हूँ आप लोग को, दैट विल बी बेटर, देन वी विल कम टू ये हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, इसमें ये चीज मेरे को नहीं समझ में, तो वी कम बैक अगेन टू यू एंड आस्क दोस क्वेरीज टू यू। हां तो होमवर्क खाली ले लो और बाद में जो जितना क्वेश्चन पूछना है स्टॉक से पूछो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग कुलीन इतना एक लेक्चर सुन के इतना होता तो यार कॉलेज में कितना क्या क्या कर लेते यार, कोई बात नहीं, माई सिंपल असाइनमेंट फॉर ऑल ऑफ यू इज फाइंड गोल्डन क्रॉस ओवर फॉर द फॉलोइंग स्टॉक्स, रिलायंस, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, इसका मुझे डेट दे दो सब लोग और हो सके तो स्क्रीन शॉट भेज दो मेरे को व्हाट्सएप, एंड इट इज नॉट अ कंपल्सरी होमवर्क, आप जो करेगा तो उसका भला होगा, जो नहीं करेगा उसका भी भला। नहीं करेंगे, जरूर करेंगे, कुछ साइंटिफिकली और टेक्निकल बैकअप मिलता है ना डिसीजन लेने के लिए, दैट इज ऑलवेज यूजफुल, इसलिए तो होमवर्क देने का मतलब ये है कि ये करेंगे तो आप लोग के लिए बेटर बेटर मिल जाए, तो क्या है आज कोई आया बड़बड़ करके चला गया, बट इफ यू गाइस रियली वांट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग इन डेप्थ स्टॉक के अलावा, and if you are happy I can also design one more session for you guys, and jisme kisi ko options hai ya ye hai iske bare mein the ya even chart ke bare mein, chart ekdam rudimentary bataya maine, isme abhi tak maine super trend kiya hai usse kaise trend bana sakte hain ye sab maine nahi bataya, I didn't want you guys to bhai ek hi din mein sab dal do, thoda isko bachao isko dekho 50 chart banao chart dekho uska screenshot lo len अतुल बोलो, कल या फ्राइडे का एनी डिसीजन यू आर टेकन ऑन द चार्ट एंड व्हाट हैज हैपेंड वो कुछ बता सकते हैं एग्जांपल के हिसाब से, लाइक हाउ यू टेक अ कॉल ऑफ बाय और सेल समथिंग ऑन एनी स्टॉक, अतुल 5000 स्टॉक है, नहीं नहीं कोई भी तुमने जो किया रहेगा ट्रेड, नहीं मैंने कोई ट्रेड नहीं किया फ्राइडे को, कोई भी ट्रेड नहीं किया, जो ट्रेड किया वो सागर भाव ने किया है, सागर भाव अलग आदमी है, वो अलग लेवल पे है, अभी वो है ऑनलाइन, उसको पूछना है तो पूछ सकते हो, कुलीन हां, कुलीन हां, पेनी स्टॉक बताना, पेनी स्टॉक, ये पेनी स्टॉक कौन गुजरा कौन है पेनी स्टॉक, संदीप संदीप संदीप, हां अच्छा साहब पेनी स्टॉक नका घेऊ ना कशाला, अरे सांग ना चांगला, 1 रुपयाचा खाली, 1 रुपयाचा खाली ते पण 1 रुपया 1 रुपयाचा खाली, अनिल अंबानी के शेयर्स ले लो अभी, नाही जेपी पॉवर बघा 2.5 रुपयाचा स्टॉक, अच्छा कुलीन कुलीन सुन ना, ये 3i इन्फोटेक चेक कर ना, 3i इन्फोटेक, संदीप के लिए पेनी स्टॉक ढूंढा है मैंने, 3i इन्फोटेक 3 3i वो बोल अच्छा जो प्रीवियसली आईटीआई बैठा था वो, हाँ हाँ हाँ।
श्री श्री नहीं रे कुलीन प्रिया है हाँ प्रिया इन्फोटेक यस हाँ ये ऊपर वाला हेलो हेलो ये लेवल पे एंट्री कर सकते हैं क्या लेवल 60 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ कर सकता है एक लेवल कोई भी हो स्टॉप लॉस मालूम होना चाहिए लेने के लिए अच्छा है मतलब ये मेरे इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ रहा हूँ मैं देखो ऐसे तो चल गया है ओके उसका बाइंग जो था जिस आदमी ने पूछा बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा है बाइंग जो था वो 32 कैप पर 7 रुपया था और अभी 8 रुपए में मिल रहा है मतलब 1 रुपया ही ज्यादा गया इसलिए मैं बोल रहा हूँ लेकिन वीकली में देखो उसका आरएसआई जो है ना यानी ये 15 होने को बहुत टाइम लगेगा मंथली में भी देखो 72 है बहुत अच्छा है आरएसआई इसका बहुत अच्छा है संदीप वीकली में देखो गोल्डन क्रॉप दिख रहा है करके ऊपर बट आई डोंट नो वेदर यू बी एबल टू हियर मी ओके जस्ट होल्ड ऑन अरे किसी की बैकग्राउंड नॉइज कोई प्लीज कोई प्लीज वो नहीं हेलो 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 नहीं मैं एक्चुअली पार्टिसिपेंट्स को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ म्यूट पे जाने के लिए किसी का बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है नहीं मेरे घर का बैकग्राउंड नॉइज नहीं है भाई किसी पार्टिसिपेंट नहीं तुम्हारा नहीं बोल रहा हूँ मैं पार्टिसिपेंट्स के लिए बोल रहा हूँ अच्छा मेरा आवाज आ रहा है हाँ हाँ कुलिन यस आई कैन हियर आई मीन आई कैन हियर आ रहा है बराबर बराबर है सागर ला मीट कर ओके नाउ कैन यू हियर मी हाँ कुलिन यस ओके क्योंकि मेरा उसमें बंद हो गया ब्लूटूथ तो मैंने लैपटॉप से चालू किया तो इसलिए बोला आवाज आ रहा है कि नहीं तो ये एक एग्जांपल है क्या गोल्डन क्रॉसओवर का ये वीकली में गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है इसीलिए मैं ये एग्जांपल की बात कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा वीकली में अगर गोल्डन क्रॉस डेली तो छोड़ो वीकली में जो गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है तो ये लंबा जाएगा मेरे को लगता है इसमें इसका कुछ फंडामेंटल देख लो आप लोग कुछ मेरे को लगता है इसमें कुछ अंदर न्यूज व्यूज आया रहेगा कुछ तो भी है लफड़ा है इसमें न्यूज है ना हाँ बराबर है देखा सी व्हेन यू ब्यूटी ऑफ टेक्निकल इज व्हाट यू नो कि उसमें सब इनबिल्ट रहता है जब टेक्निकल ऐसा दिख जाता है ना तो आदमी न्यूज भी ढूंढ लेता है सब ढूंढ लेता है तो मेरे को तो नहीं मालूम 5000 स्टॉक है कौन सा क्या हो रहा है क्या मालूम अपने को आई होप एवरीबॉडी एंजॉयड Yes, Kulin, actually, yes, yes. actually, ये technical जो चीजें है ना ये समझना बहुत important है मतलब at least to start with ये candles क्या है golden crossover ये concept तो बहुत मतलब पहली बार मैंने सुना भी है और मतलब ये सीखना बहुत जरूरी है और अभी का market जो है more or less technical के ऊपर ही जा रहा है यार फंडामेंटल जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं आ जा रहा है because of liquidity इतना ज्यादा है अभी फंडामेंटल को हम देख ही नहीं सकते क्योंकि फंडामेंटल के हिसाब से तो वो सब रिलायंस तो 1200-1500 में ही मिलना चाहिए था इतना ज्यादा कैसे हो गया इवन निफ्टी का भी मल्टीपल 45 हो गया है
lucky. It should be around 27. But in such a situation, you should always look for technical. Or technical will save you. आपको exit भी दे देगा. कुलिन एस चांद देखना है. एस चांद. एस चांद यार तू तो ऊपर रोस्ता में भावी नहीं है साला. सही शहर है. इसमें अभी कुछ हुआ है, लफड़ा हुआ है, बहुत जबरदस्त चला है. देख गोल्डन क्रॉस देख कितना मस्त हुआ है 24 फरवरी को. कभी खरीदा भाव? एग्जिट कभी लेने का. एग्जिट एग्जिट करना ही मत. भाव क्या भाव में खरीदा है वो? 85 में. 85 में लिया? अच्छा देख 85. जिसने 63 में लिया है ना. हाँ एस चांद मतलब वो बुक्स का कंपनी है ना. बुक्स का है. हाँ स्टेशनरी. देख वैसे मंथली में है ना भाव, मंथली में इसका आरएसआई अभी चढ़ रहा है, अभी 60 के ऊपर गया नहीं. मेरे को ऐसा लग रहा है कि मंथली में 60 के ऊपर जाएगा ना तो तेरा ये इसका मैं थोड़ा जूना चार्ट खोलता हूँ. देख इसका लाइफ टाइम हाई है ना 700 रुपया के आसपास. हाँ और ये मंथ में है ना उसने 128 का कुछ हाई बनाया है. ओके बरोबर. ये 128 का हाई तोड़ेगा ना तो तेरा नेक्स्ट लेवल जो है ना 190 है सीधा. तो तू अच्छा हाँ तू देखते रहना इसको. एंट्री ठीक है 85 में किया है. 63 में करता तो बेस्ट था बट 85 भी बुरा नहीं है. अभी इसका क्लोज क्या आया है? क्लोज तेरा आया है 121 बरोबर. हाँ तो ठीक है ना, पकड़ के रख इसको. एक काम कर भाविन, तेरा बाइंग 85 रुपीज है बराबर है. अभी क्या करने का, तेरे को हर रोज जो है ना, मैं एक सिंपल बताता हूँ. हाँ. कल का लो जो है ना वो 107 रुपया था. अभी कल क्या करना था, कल खुलते ही है ना 107 रुपए का स्टॉप लॉस डाल के रखना है. बरोबर. तो अगर 107 के नीचे नहीं गया तो उस दिन क्या करना, फिर नेक्स्ट दिन का लो का स्टॉप लॉस डालना. ऐसे करके ऊपर होते जाएगा तेरा स्टॉप लॉस. तो तू प्रोटेक्टेड रहेगा, तेरे को टेंशन ही नहीं है. तेरे 85 का तो तेरा बाइंग नहीं, 107 में बिका तो भी 20 रुपया तो तू प्रॉफिट ही मिलने वाला है ना. बरोबर. हाँ और बाद में नीचे गया तो वापस एंट्री मार लेना, और नहीं गया तो उसको ऊपर राइड कर. और ये बात मैं सबको लागू करता हूँ कि जिसको भी है ना, जिसने खरीदी कर लिया वो कल का लो का स्टॉप लॉस डाल के चुपचाप बैठ जाओ, उसको राइड करो. लेकिन भाविन सॉरी कुलिन, कभी कभी मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन कभी कभी ये है कि सपोज अगर वो स्टॉप लॉस डालते हैं उस दिन का तो वो स्टॉप लॉस हिट होता है लेकिन बाद में वो बाउंस भी होता है, रीबाउंस भी होता है. हो सकता है. लेकिन स्टॉप लॉस डाल के अगर रखा है और तेरा प्रॉफिट में है तू तो क्या प्रॉब्लम है? एटलीस्ट वो प्रॉफिट तो सेफ हो जाएगा. राइट प्रॉफिट तो मिल गया ना. अभी अभी फॉर एग्जांपल तूने 100 रुपए में चीज लिया है, 120 में तेरा निकल गया. ओके तो तेरा बाइंग का अभी तू नेक्स्ट टाइम उसको जब 105-110 में वापस नीचे आएगा तू खरीदेगा तो तेरा बाइंग 90 रुपीज हो गया ना. ओके ओके. हां स्टॉपलॉस से मन्नपुरम देखना तूने. मन्नपुरम मन्नापुरम. अच्छा मन्नापुरम फाइनेंस. सिंगल है ना? सिंगल है. खरीदी है 160 उसके आसपास तो बंद हुआ है. हाँ, 160, 162 के बीच का खरीदी है. इसमें रहने जैसा तो नहीं है. प्रॉफिट मिल गया है तो एक बार निकल जाए तो अच्छा है. क्योंकि जो 50 डेज का मूविंग एवरेज है ना वो भी 160 है. 50 डेज तोड़ के, अरे सॉरी 50 डेज का तेरा, अरे 50 डेज 200 डेज सब तोड़ दिया इसने. निकल जा बाबा इसको. अच्छा निकल जा मत रे. ओके. अच्छा कुलिन एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है ऑर्किड फार्मा. हाँ इसमें क्या करेगा,
हाँ वही वही मतलब जस्ट वो टेक्निकली कैसे दिखता है वो देखने का था। टेक्निकली देखना गोल्डन क्रॉस अभी मार रहा है, इतना सर्किट मारने के बाद अभी अभी गोल्डन क्रॉस हो रहा है देख। हाँ ये ऐसे स्टॉक्स है ना, इसमें क्या होता है मालूम है, ये उपला सर्किट मारता है फिर निचला मारता है तो नीचे का ही मारते रहेगा। तेरे को एग्जाम्पल बताता हूँ, बजेट को देख ले, ये देख पहले इसने ऊपर का मारा अभी नीचे का मारना था। इसमें इसमें क्या होता है, इसमें ट्रेड नहीं होता है, वॉल्यूम कहाँ हो रहा है, कुछ भी नहीं, वॉल्यूम नहीं है। हाँ, वो लिमिटेड वॉल्यूम है उसमें, खाली सर्किट टू सर्किट होता है, इसमें कुछ नहीं कर सकता है तू। इसमें अगर ये क्या सब मतलब ये सब क्या ऑपरेटर ड्रिवन रहता है क्या? नहीं, ये जो मजेस्को में तो स्टोरी सबको मालूम है कि उसने 954 रुपीज डिविडेंड दिया था, तो उसका भाव हो गया था 12 रुपया, बट उसका जो बुक वैल्यू था उस हिसाब से वो डिविडेंड देने के बाद भी 5,100 रुपए का भाव होना चाहिए था, तो 12 रुपए से चला था। तो अभी ऑपरेटर ने खींच खींच के उसको 100 के ऊपर लेके गया, अभी वो 50 पे आके रुकेगा, 50 के या 40 के आके आके रुकेगा बुक वैल्यू पे। ओके, हाँ, क्योंकि कंपनी बंद होने वाला है। सी, सर्किट टू सर्किट वाला कंपनी में मत पड़ो, जो कंपनी कौन सी कंपनी में काम करने का मालूम है, जिसमें स्विंग होता है, मतलब नीचे जाता है ऊपर आता है, नीचे जाता है ऊपर आता है, करेक्ट उसमें सर्किट वाले में पढ़ो ही मत। नहीं नहीं, जस्ट वो मतलब मैं पढ़ता नहीं उसमें, मुझे जस्ट वो देखा था, इसके लिए मैंने सुना कि एटलीस्ट वो टेक्निकली कैसे देखते हैं, मतलब स्टॉक सिलेक्शन कैसे करने का नेक्स्ट डे के लिए वो देखना है। हाँ जी, दिखाओ। ओके, गो टू दिस वेबसाइट chartinc.com, ओके, याद रखना। मैं इसमें ट्रेडिंग के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना वो बता रहा हूँ, ओके? क्योंकि ट्रेडिंग के पाप में मुझे पढ़ना नहीं है, ट्रेडिंग जो करेगा उसका लॉस वो देगा या प्रॉफिट वो करेगा, लेकिन गाली मुझे पड़ेगी, तो मैं ट्रेडिंग नहीं बताना चाहता, नॉट एटलीस्ट ऑन द फर्स्ट डे। ओके, सो हियर यू कैन हैव सम स्कैन्स। अभी मैंने है ना इधर एक स्कैनर बनाया था 60-60-40, जो मैंने अभी आपको RSI का बताया ना, तो उसके लिए मैंने स्कैनर बताया। सी, 5,000 स्टॉक है, उसको कैसे स्कैन करोगे, कैसे मालूम पड़ेगा कि इसमें 60-60-40 आया, राइट? तो इसमें स्कैनर बना सकते हैं, तो मैंने एक स्कैनर बनाया है, आई कैन शेयर यू दिस स्कैनर विद ऑल ऑफ यू। ऑल यू हैव टू डू इज यू टू गो देयर एंड रन द स्कैन, उस टाइम पे आपको बता देगा कि कौन सा स्टॉक 60-60-40 के स्क्रीन में आ गया है। तो अभी 60-60-40 में देयर आर 25-28 स्टॉक, इसमें से आपको जो पसंद है वो स्टॉक को आप वॉच करो और उस हिसाब से यू कैन बाय एंड कीप इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड। अभी इसमें आप देखोगे ना, इसमें कोई फालतू स्टॉक नहीं दिख गया, TVS मोटर है, NCC है, हेवेल्स है, सिक्वेंस साइंटिफिक है, PNC इंफ्रा, किसने पूछा था PNC इंफ्रा, देखो उसमें आ गया है, ओके, IDFC फर्स्ट बैंक, ICICI, HCL, जिंदाल, स्टेट बैंक, सोलर इंडस्ट्री, ये पता नहीं है शायद, मुझे पता नहीं, टाटा कंज्यूमर, रैमको, टाटा मोटर, इसमें कोई भी शेयर फालतू नहीं है, सब अच्छी क्वालिटी के अच्छे स्टॉक्स। तो मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ ना वो ऐसे करता हूँ कि ये सब स्टॉक्स को हम लोग देखते हैं, तो इसके लिए मैंने एक 60-60-40 ट्रैकर भी बनाया है, उसमें मैं रेगुलरली अपडेट करता था, अभी मैं थोड़ा लेजी हो गया तो मैंने अपडेट नहीं किया, तो उसमें मैं ये रोज के स्टॉक्स लेके उसमें अपडेट करता था, और उसमें आई वॉन्टेड टू सी द परफॉर्मेंस कि कौन सा शेयर कैसे चला है क्या है। तो उसमें जो येलो में है वो स्टॉक उसमें है अभी, और जो रेड में है वो निकल गए, तो यहाँ पे RSI अपने आप वैल्यूज आ जाती है, ये सॉरी लोड हो जाता तो दिखाता हूँ, ओके, तो यहाँ पे वैल्यू आती है, मंथली RSI, वीकली RSI एंड डेली RSI, ये वैल्यू आ जाती है, तो इसमें जो 58 आ जाता है वो अपने आप एग्जिट कर देता है। तो अभी फॉर एग्जाम्पल ये 606 का बाय था और एग्जिट उसने 591 पे किया, तो 15 रुपए ही लॉस हुआ, ज्यादा लॉस नहीं हुआ। वैसे ये ट्रैक करता हूँ, तो इसमें जो आके पकड़ लिया स्टॉक और उसको जैसे PNC इंफ्रा है इसमें डाल दिया, वो लंबा चलने वाला स्टॉक। ये कैसे बनाने का ट्रैकर स्कैनर? स्कैनर दिया ना तेरे को रेडी, में लिंक देता हूँ ना तेरे को, बनाने की क्या जरूरत है?
अभी ये देख इसमें पर्सिस्टेंस सिस्टम देख, 1646 का बाई था, अभी देख 23 फरवरी को, आज क्या तारीख है, तारीख बोलो कोई, 20 तारीख, हाँ 320 रुपया का प्रॉफिट है एक स्टॉक के ऊपर, कितना टका होता है, तो 60-60-40 में अगर अच्छा स्टॉक पकड़ लिया आपने और उसको उसको रन किया एक दो महीने में अच्छा परसेंटेज, कम से कम 10-15% दे देता है, ये स्कैनर का मैं लिंक आप लोग को व्हाट्सएप कर दूंगा, यू कैन डायरेक्टली रन दिस स्कैनर एंड उसमें स्कैन कैसे करना है, स्कैनर कैसे बनाना है, पूरा गाइड वाइड भी है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं है, आप खुद बना सकते हो, कोई इसमें बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, जैसे मंथली आरएसआई ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर 60 वीकली, हेलो अस्मा, अच्छा कोई किसी को चालू है, मैं अभी डाल देता हूँ व्हाट्सएप पे अपने को, एनी वेरीज गाइस, कुलीन कोई ऐप भी है क्या, ऐप की सारे इधर लैपटॉप पे ही देखने हैं, देख लैपटॉप पे देखेगा तो ज्यादा अच्छा है, स्टडी करना है शाम को रोज आधा घंटा, बहुत ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, घर पे आराम से आके हाथ धो के चाय वाय पी के आधा घंटा काम करो ये, फिर बाद में खाना वाना खा के फिर तुमको जो पीना है वो पी के सो जाओ, खाली आधा घंटा ये कर लिया ना काम, बहुत चार्ट देख लो, ये खुल रहे तब तक एक शेयर देखना वीमार्ट, हाँ देख लेता हूँ, डीमार्ट की वीमार्ट, वी 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 फॉर विक्ट्री, बहुत महंगा शेयर सिलेक्ट किया, जितना महंगा है उतना अच्छा है, 100% जब शेयर मार्केट गिरा था तभी 1200 पे आया था, हाँ वेरी गुड, वेरी मीटिंग में सर अंदर ने एकदम सही टाइम पे बाय किया, पुनः कितने में लिया है, मैंने ज्यादा नहीं थे, मैंने 1600 में लिया था, तो पकड़ के रख उसको जब तक ये देख वीकली 63 है 58 हो नहीं होता है तब तक पकड़ रहा है, अभी 1600 में तूने लिया था, अभी 2700 चल रहा है, 1000 रुपए 1100 रुपए मिल रहा है, पकड़ के रख, 63 जब 58 होएगा ना तब तू बेचेगा ना, मेरे हिसाब से वो भी तेरा 900-1000 रुपए के नीचे तो जाएगा नहीं, मतलब प्रॉफिट ऐसा है, ओके ओके, हाँ ये बहुत मैजिकल फॉर्मूला है, मतलब ये आरएसए सबसे इम्पोर्टेंट है, नहीं सबसे इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो एक ही चीज मालूम पड़ा है तुम लोग को यार, इसमें तुम लोग बोल रहे हो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो आज तक हम लोग क्या कर रहे थे सोचो, हाँ अभी तो ऐसे ही अंधेरे में तीर छोड़ रहे थे, हाँ ऐसा मत तीर छोड़ो, टिप्स लेना बंद करो और टिप्स लो, टिप लेके उसको ये चार्ट पे जाके देखो, बाद में उसको एग्जीक्यूट करो, चार्ट हाँ बोलता है तो लो, ना बोलता है तो मत लो, करेक्ट बराबर है, एक केवल किरण देखना जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ, जॉब कंटिन्यू करके छोड़ दो, ये कैसे मैं बोल रहा KEWAL KEW, एक सेकंड दादा, तो मजा स्क्रीन शेयरिंग का तो मजे म्हणून मला दिसत नाही, तू बोल इसमें क्या करने का, नहीं नहीं इसका कुछ क्या दिख रहा है फ्यूचर, ये 2000 पे जाके अभी तुम लोग का के सेल्स कितना है साल का महीने का, हमारे पास अभी ऑर्डर है लेकिन माल नहीं है, ऐसी सिचुएशन में फंसे, ऑर्डर है मतलब माल नहीं है मतलब, अरे वो बीच में थोड़ा प्रोडक्शन हमने स्टॉप किया था ये पेंडेमिक के चक्कर में, तो ऑर्डर बुक तो फुल पड़ा है लेकिन फंड्स नहीं है क्या एग्जीक्यूट करने के लिए, फंड्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैश रिस्क कम नहीं है, 350 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट है, बट अभी नया माल नहीं बना पा रहे, फैब्रिक के रेट ऊपर चले गए, वीकली आरएसआई में अभी वीक हुआ है, तो स्टॉक तो नीचे जाएगा, कंपनी का मैं कैसे बोलूं यार, वो तो तुम लोग का मालूम अंदर का चीज
अरे नहीं ऐसे में स्टॉक के ही पूछ रहा था, कंपनी का तो मालूम है क्या निकली आ रहे सही में। अभी अभी जा रहा है नीचे, वो अभी ने 56 दिखा रहा है क्लोज उसका वीकली का, यानी जिसके पास है वो निकल जाएगा तो ज्यादा लॉस नहीं करेगा, गिरने का चांसेस है। डेली में तो गिर ही गया है, 43 हो ही गया है वो। ओके ठीक है, तो वो व्हाट्सएप पे कुछ भेज रहा था देखा, इसको बोलते हैं गरज सरी એટલે ભાઈ મેરી ગુજરાતી માં આવે હું અંધારા ભાવિન ऐसे ही लॉस लोगे आपने। ये देख इडली संभाल खाने में नहीं बुला रहा, 12:15 बजे अमित चला गया, तो कुछ मीटिंग है ना 12:30 बजे शिवाजी पार्क में, शिवाजी पार्क में मीटिंग है। कल बोला था कि इसको पोस्टपोन करना है क्या, ये ग्रुप में मैं नहीं हूँ। तो मैं मेन ग्रुप में बिठा दूंगा, ये ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, क्या प्रॉब्लम। हाँ मेरे को तूने इनवाइट भेजा था क्या, वापस भेजता हूँ यार, क्या टेंशन। ये ग्रुप में फायदा ये है कि इसमें जो भी आता है सबको एडमिन बना दे। वंदर यू आर एडेड टू दैट ग्रुप, देखा थैंक यू, अपने दोस्त लोग ऐसे हैं। ये देख आ गया रिडे साहब, इज ओनली वन हु टेक्स केयर ऑफ ऑल जसना टीम, इमीडिएट एक्शन, इमीडिएट करेक्ट। ओके फ्रेंड्स, तो लिंक वापस भेजना मेरे को, लिंक के बाद ऐड किया। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी ये मेरा कंप्यूटर बेचारा मर गया, क्लिक कर रहा हूँ। अरे बेल्डे साहब इज वेरी प्रॉम्प्ट, आप बेल्डे साहब का कंप्यूटर बहुत फास्ट है, थैंक यू। जसना मध्ये पण टाकून जाना यार लिंक बेल्डे साहब। अरे इडली सांबर वाला क्या था मैसेज, वो सबको नहीं है ना, वो खाली अमित कुलकर्णी खिलाएगा। कुलीन ये आज का सेशन रिकॉर्डेड है ना, अभी 30 मिनट तक रिकॉर्डेड हो सकता है, आगे का मालूम नहीं मेरे को, चालू है सेशन वो उतना नसीब। मेरा तो रिकॉर्डिंग दिख रहा है मेरे यहाँ पे। हाँ अभी क्या मालूम, रिकॉर्डेड हो जाएगा तो मैं उसको यूट्यूब पे अपलोड करके सबको लिंक भेज दूंगा, क्योंकि सबको इंडिविजुअली भेजते बैठूंगा तो ये लिंक भेज देना बाद में, रिकॉर्डिंग अगर हुआ रहेगा तो चलेगा। और कुछ क्वेरी है कि इसको भी एंड करें, हां एंड करें अभी, क्या हुआ मालूम है, अभी ये थोड़ा डाइजेस्ट करने दे कुलीन। हां अरे बीच में मेहमान आए थे इसके लिए। हां कोई बात नहीं, आप सबके लिए रिकॉर्डिंग सीजर डाल ली। सब लोग थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे तो सब लोग थोड़ा थोड़ा कमाएंगे ऐसा। करेक्ट करेक्ट, चलो ऑल द बेस्ट गाइस। अरे वी वांट टू सी फेस ऑफ अमोल दाभोलकर, अमोल दाभोलकर होता इकडे पण आता काय तू बोलला नाही आज काही, आहे पळाला तो बघ। चलो ओके बाय, ओके बाय, चलो बाय बाय गाइस, बाय।